हाँ जी जी हाँ बैठ। हेलो मैं थोड़ा माफी इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ नए लोग जुड़े हैं उन जबरदस्ती तो नहीं उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और उस बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। एक लंबे अंतराल के बाद जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी थे, जिला अध्यक्षों को भी बुलाया था और कार्यकारिणी का एजेंडा क्या था? हाँ वही दो इशू को लेकर के, एक तो हमारे जो अभी तक का जो संगठन का विस्तार उसकी जो आगे उसके विस्तार की जो संभावना है उस पर चर्चा करनी थी और ये भी देखना था कि लोकसभा का जो चुनाव है 2019 का उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर भी हम लोगों ने बैठक चर्चा की। निष्कर्ष क्या है? नहीं, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे यूपी में। जी कितनी सीटों में लड़ेंगे ये बाद में तय करेंगे। किसी के साथ गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं, जनता दल यूनाइटेड का देश भर में कहीं कोई गठबंधन नहीं है सिवाय बिहार छोड़ के। बिहार छोड़ के मैंने कहा गठबंधन के संबंध में, गठबंधन हमारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बिहार में है। अभी हम दो तीन असेंबली जो पांच जगह हो रहे हैं वहाँ हम लड़ भी रहे हैं, राजस्थान हम लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारा कोई समझौता नहीं है। हम चुनावी एजेंडा अलग से लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पे आप करने में चुनाव लड़ेंगे? किन मुद्दों पे आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? किस चीज चुनावी एजेंडा नहीं, वो तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो ये आज सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं कि संगठन की क्या पोजीशन है और हम लोग चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। अभी तक का जो है उसकी समीक्षा की और आगे जो है उसको करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, ये आज की बैठक में ये फैसला। सारी सीटों नहीं, ये मैंने कहा कि अभी उस पर 80 सीटों नहीं नहीं मैंने कहा अभी उस पर इन प्रिंसिपल ये तय किया है कि लड़ेंगे। कुछ बात थी पिछले साल कितनी सीटों पर लड़े थे? पिछले बार नहीं लड़े थे। पहले हम आए हैं संगठन को और अपने साथियों से जाना, मैंने उनसे चर्चा की कि क्या इसकी संभावना है, क्या मूड है अपने लोगों का चुनाव को लेकर के लोकसभा, और जिस बैठक में आज के उनसे बातचीत करके ये तय किया, उनका ऐसा मानना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए हमें, तो ये तय किया है लड़ेंगे। अब इसकी रिपोर्ट हम जो है सर केंद्रीय नेतृत्व चुनाव ऐसा नहीं है देंगे आगे और उस पर तय करेंगे। जी चुनाव में हर बार का तो नहीं है, पिछली बार भी एक बार का है, हर बार दिखे एक बार का है, हर बार का नहीं। विधानसभा लड़े थे क्या आप लोग? एक बार नहीं, वो तो वही तो उसी की तरफ से इन्होंने पहले कह दिया पिछड़ गए इसमें, उसी तरफ था। एक बार ऐसा हुआ है, हर बार नहीं हुआ है और ज़रूरी नहीं कि जो एक बार हुआ वही हर बार, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल पार्टी ने यहाँ बिल्कुल इस पर बिल्कुल मन बनाया हुआ है और हम लड़ेंगे। हाँ आप भी क्या अयोध्या में समझा दीजिए लोग अयोध्या बोल जा रहे हैं बाहर के नेता के राम मंदिर और भी काम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है जा रहे हैं जिनको जाना है वो जा रहे हैं। हम लोग तो हमारी पार्टी का लाइन और स्टैंड अयोध्या और उसको लेकर के जो है बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है, कोर्ट के आदेश के न दाएं हैं हम न उसके बाएं, नहीं कमज़ोर स्थिति में कमज़ोर है कि उसी के लिए तो आए उसी को जो आप जिस तरह जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल इसमें विवाद हुआ करीब एक साल बाद आप लोग यहाँ बैठे, ये सब तो चलता रहता है, ये कौन नया काम है हर पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ तो कम से कम कुर्सी टेबल नहीं चल रहा ना, जहाँ चल रहा है वहाँ विवाद हुआ ना। अच्छा मिशन नाम बदलो आजकल चल रहा है उसके बस मतलब मैंने कहा तो कि बहुत काम है। हम लोग क्या कहेंगे हम लोग इसके फेवर में नहीं,
इस तरह के कामों के हम लोग पक्ष में नहीं। कुछ भाजपा नेता ये भी मांग उठा रहे हैं कि बिहार में भी कई जगह बहुत तरह का मांग उठाते रहते हैं वो लोग। किसी किसी के बोलने पे हम थोड़ी रोक लगाएंगे, और कुछ बोलते रहे हैं वो बोलते रहेंगे, कराएंगे समय आएगा तो वो भी। कुछ फैसला हुआ नहीं अभी, रैली का काम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। और हाँ ये